शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश में एसटीओपी सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को बैराड़ पुलिस ने एक शख्स को स्मैक बेचते हुए पकड़ा है। जानकारी के अनुसार बैराड़ थाना प्रभारी मनोज सिंह राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली। कालमंड हनुमान मंदिर के पास एक शख्स स्मैक बेचने खड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी तो आरोपी सोनू पुत्र ब्रजेंद्र परमार निवासी कलमाड़ में कब्जे से 13.25 स्मैक कीमत 2,75,000 रुपए की जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह राजपूत, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह प्रधान, आरक्षक गणेश सिकरवार, गोविंद सिंह आरक्षक, राम अवतार रावत, अरुण रंजीत रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।